हेलो दोस्तों, अगर आप कहीं पर जॉब करना चाहते हो, आपको रिज्यूम की नीड पड़ती है, तो मैं आपको इसमें बताने वाला किस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन से कुछ इस प्रकार से अपना रिज्यूम को कैसे आप क्रिएट कर सकते हो अपने फ़ोन के माध्यम से। सो यदि आपको भी रिज्यूम को क्रिएट करना है तो मैं आपको इसमें कंप्लीट आपको जानकारी देने वाला हूँ किस प्रकार से अपने एक प्रोफेशनल तरीके से अपना रिज्यूम को कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, कैसे अपना फोटो अपलोड कर सकते हो, साथ ही अपना सिग्नेचर को कैसे अपलोड कर सकते हो। सब कुछ मैं आपको डिटेल्स इस ब्लॉग के माध्यम से आपको देने वाला हूँ किस प्रकार से प्रोफेशनल तरीके से अपना एक रिज्यूम को कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। सो यदि आपको भी जाना था आप लेकर तक बने रहेगा, तो चलिए जानते किस प्रकार से अपना रिज्यूम को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको रिज्यूम क्रिएट करने के लिए, अपना रिज्यूम बनाने के लिए, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर जाकर एक एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूं, यहां पर जैसे आप ओपन कर दे, सबसे पहले आपको सर्च में जाना है एंड यहां पर आपको सर्च कर देना रिज्यूम पीडीएफ। जैसे यहां पर मैं सर्च कर लेता हूँ और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको रिज्यूम पीडीएफ मेकर का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर एप्लीकेशन मिलता है, तो इसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आप आसानी से अपना रिज्यूम बना सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लिया, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, आप क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस होता है। जैसे कि यहाँ पर आप जैसे मैंने पहले से कि यहाँ पर रिज्यूम को क्रिएट किया है, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं इसको डिलीट करके इसको हटा कर मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से अपना न्यू रिज्यूम को क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डिलीट करते हो दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन आप मिलता है आपको प्लस का, सिंपली आप देख सकते हैं आपको एक प्लस के नीचे आपको ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। आपके यहाँ पर फाइल का नाम पूछ रहा है, आप क्या फाइल का नाम देना चाहते हैं। जैसे कि मैं अपने फाइल का नाम यहाँ पर रिज्यूम ही रख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिज्यूम। यहाँ पर इंटर करने के बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना। जैसे आप ऐड पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर फाइल ऐड होकर आ जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक एडिट का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको यहाँ पर एडिट पर ही आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको व्यू का एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आपका रिज्यूम आपका कंप्लीट यहाँ पर बनकर रेडी हो जाए, तो यहाँ पर आप व्यू कर सकते हो। यहाँ पर आपको दोस्तों एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है, जिसका यहाँ पर नेम चेंज कर सकते हो, इसका डुप्लीकेट बना सकते हो या फिर इसको डिलीट कर सकते हो। तो सिंपली हमको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके अपना रिज्यूम को बनाया था, हम यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप एडिट पर क्लिक करते हैं, बेसिक प्रोफेशनल डिटेल्स, तो सबसे पहले यहाँ पर अपने प्रोफेशनल डिटेल्स को आपको यहाँ पर एड करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं अपने प्रोफेशनल डिटेल्स को मैं एड लेता हूं, जैसे कि यहां पर आप क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहां पर आपका फोटो अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो यहां पर अपना फोटो अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहां पर तो बोल रहा है कि आपका मैंडेटरी का नेम, जो भी आपका नेम है यहां पर जो रिज्यूम देना चाहते हैं यहां पर एंटर कर लीजिएगा, और मैंडेटरी का मोबाइल नंबर, मैंडेटरी का यहां पर जो भी ईमेल आईडी, और यहां पर रिज्यूम का जो हेडलाइन देना चाहते हो वो भी यहां पर आप दे सकते हो। लिंक्डइन का यहां पर आपका वेबसाइट का जो भी है वो यहां पर दे सकते हो, ये ऑप्शनल है, यहां पर इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहां पर चलिए सब कुछ मैं डिटेल्स फिल करता हूं। सबसे पहले यहां पर आपको फोटो अपलोड करने का तरीका बताता हूं। यहां पर अपलोड पर क्लिक करते हैं, जैसे आप अपलोड पर क्लिक करते हैं आपके यहाँ पर फाइल शो हो जाएगा, और जिस फाइल से अपना फोटो अपलोड करना चाहते हैं आपको फाइल को सिलेक्ट कर देना। जैसे कि यहाँ पर मैं अपने फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। सिंपली आपको क्रॉप पर क्लिक कर देना, आपका जो भी फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाता है। यहाँ पर जो भी आपका मैंडेटरी का नेम है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब कुछ आपको यहाँ पर फिल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं सब कुछ मैं फिल कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। सिंपली आपको पीछे बैक कर देना, जैसे आप बैक करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फिल करने के लिए बोला है, तो सिंपली आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपको ऑब्जेक्टिव आप देना चाहते हो ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने ऑब्जेक्टिव को भी ऐड कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऐड किएंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर बहुत से आपको स्किल्स यहाँ पर शो हो जाएंगे, आप क्या ऑब्जेक्टिव देना चाहते हैं आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट ऐड करता हूँ, यहाँ पर इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैं इसको बैक करता हूँ, इसमें यदि आप एडिट वगैरह करना चाहते हैं, इसमें आपको यहाँ पर अपने हिसाब से आप देना चाहते हैं यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, या फिर अपने अलग से कहीं पर ऑब्जेक्टिव आपके पास है तो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम बैक कर लेते हैं। पेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्किल्स का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको स्किल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्किल्स पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको एक प्लस का एक नीचे आपको ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको प्लस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो भी आपका स्किल्स है, आपके पास जो भी स्किल्स है, तो आपको यहाँ पर एड कर देना है। यहाँ पर मैं आपको और भी यहाँ पर प्लस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर बहुत से आपको स्किल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं स्किल्स को भी एड कर, मैंने यहाँ पर कुछ स्किल्स एड किए हैं, इस प्रकार से अपने स्किल्स को एड कर सकते हो। सिंपली ये एड करने के बाद आपको सिंपली बैक पर क्लिक कर देना। जैसे आप बैक पर क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस पूछ रहा है, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो भी आप दे सकते हो। तो सिंपली आपको यहीं पर क्लिक कर दें। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो फिर से आपको यहाँ पर प्लस का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं आप किस कंपनी में आप वर्क करते हैं, यहाँ पर आप दे सकते हैं, और को भी आपका डिजिनेशन क्या है, यहाँ पर से किस डेट से आप किस डेट में आप देना चाहते हो, उसका कुछ यहाँ पर देना चाहते हो उसके बारे में, तो भी यहाँ पर आप दे सकते हो। तो जैसे कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, तो मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट, यदि आपके पास कोई प्रोजेक्ट पर वर्क है तो भी यहाँ पर एड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक कर देना है और फिर से यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है, यहाँ पर रोल पूछ रहा है आपका क्या रोल था, यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर ड्यूरेशन क्या था, और यहाँ पर जो भी आपका टीम साइज क्या था, यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो भी डिटेल्स आप देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो।
तो इसके बारे में आप देना चाहते हो यहाँ पर प्लस क्लिक करके और यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसको हम बैक कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम डिलीट करते हैं, जैसे कि मेरा कोई भी प्रोजेक्ट पर वर्क नहीं। अब से यहाँ पर बात रहती है एडुकेशन की, यदि आपके पास कोई भी एडुकेशन का सर्टिफिकेट वगैरह है तो अब यहाँ पर देख सकते हो, सिंपली आपको प्लस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप प्लस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोर्स पूछ रहे आप किस यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल से आपने किया वो यहाँ पर पूछ रहे, यहाँ पर ग्रेड या फिर आपका स्कोर कौन सा है, और यहाँ पर आपका जिस वो ईयर में आपने कंप्लीट किया वो ईयर क्या है, यहाँ पर इंटर कर दें। चलिए यहाँ पर आप और भी यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके और भी यहाँ पर अपने एडुकेशन के बारे में, स्किल्स के बारे में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ अपने एडुकेशन के बारे में ऐड कर लेता हूँ, पर मैंने कुछ अपने एडुकेशन को ऐड किया है, जैसे कि आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और भी ऐड करना चाह रहे तो आप प्लस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको बैक कर लेता हूँ, एडुकेशन भी यहाँ पर मेरा कंप्लीट यहाँ पर ऐड हो चुका है। एंड दोस्तों यहाँ पर एडिशनल प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर दें, जैसे यहाँ पर आपको जो भी एड्रेस है, आपका लैंग्वेज है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपकी कोई वेबसाइट है या फिर फेसबुक का आईडी है वो भी यहाँ पर ऑप्शन है वो दे सकते हो। ट्विटर के आईडी है यहाँ पर, मेरिट स्टेटस क्या है वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या फिर एजेंट क्या है, पासपोर्ट क्या है, आपका जेंडर क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपके पास है तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ यहाँ पर ऑप्शनल, यदि आपके पास है तो यहाँ पर फिल कीजिएगा, वरना यहाँ पर आप मत फिल कीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं जो भी मेरे पास है तो मैं यहाँ पर मैं फिल करता हूँ, जैसे कि आपको एड्रेस है, लैंग्वेज है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब कुछ जेन्युइन यहाँ पर को फिल करना पड़ेगा। तो सब कुछ यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, कुछ डिटेल्स मैंने फिल किया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिल करने के बाद सिंपल आपको बैक पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर तो आपका जो भी एडिशनल प्रोफेशनल डिटेल्स वो भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर डिक्लेरेशन या फिर साइन यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके इसका यहाँ पर अपना फाइल भी अपलोड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर मैं अपलोड पर क्लिक कर लेता हूँ, जैसे आप अपलोड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर फाइल खुल आ जाएगा, आपका जो भी जिसमें आपका सिग्नेचर है यहाँ से आप अपलोड कर लीजिए। जैसे कि मैं अपना सिग्नेचर को भी अपलोड करता हूँ, यहाँ पर क्रॉप करना चाहते हैं यहाँ पर क्रॉप कर सकते हो, सिंपली आपको ऊपर क्रॉप पर क्लिक कर देना है। जो भी आपका सिग्नेचर है कम्प्लीट यहाँ पर अपलोड हो चुका है, तो सिंपली आपको इसको बैक कर देना है। यहाँ पर मैंने सभी डिटेल्स मैंने यहाँ पर कंप्लीट मैंने फिल कर लिए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें आपको कोई भी छूटा हुआ है तो यहाँ पर आप उसको यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर ये करने के बाद आपको फिर से आपको बैक कर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तो यहाँ पर जो भी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर फिल हो चुका है, सिंपली आपको एक व्यू का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू पर क्लिक करते हैं यहाँ पर बहुत से आपको टेम्पलेट हो जाएंगे आपको सिलेक्ट करने का, जिसे यहाँ पर मॉडल में आपको सिलेक्ट करना है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पर आपको मॉडल हो जाएंगे तो कोई भी आप मॉडल में आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई एक मॉडल को सिलेक्ट करता हूँ, उठाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर देने को मिल जाएगा, इस प्रकार से आपका रिज्यूम क्रिएट होकर आ चुका है। यहाँ पर आप इसको कलर वगैरह देना चाहते हैं, आप जिस कलर में आप देना चाहते हैं उसका कलर वगैरह यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कलर चेंज का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर मेल ऐड करना चाहते हैं आपका मेल भी यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगा, मेल किसको करना चाहते हो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको पीडीएफ में आप देखना चाहते हो इसको यहाँ पर पीडीएफ में आप यहाँ पर दे सकते हो, सिंपल आपको पीडीएफ ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आपका पीडीएफ में भी ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके ये अपने फाइल में अपने पीडीएफ में इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। और इसमें यदि आप एडिट करना चाहते हो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके फिर से डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हो, जो भी आपका डिटेल्स यहाँ पर छूट गया है। तो कुछ इस प्रकार से अपने तरीके से अपना रिज्यूम को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर कंप्लीट आपको जानकारी बता दिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर मैनेज वगैरह करना चाहते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव को मैनेज करना चाहते हैं अपने देना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो, इसको यहाँ पर नहीं देना चाहते हो आपको यहाँ पर स्किल भी ऐड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और जिस चीज को यहाँ पर इनेबल करना चाहते हैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, आपको हॉबीज हो जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि यहाँ पर आपका एडिशनल डिटेल्स वो भी यहाँ पर ऑन कर सकते हो। जो चीज यहाँ पर ऑन करोगे तो चीज यहाँ पर आप फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली इस प्रकार से इसको फिल भी कर सकते हो, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके आप देख सकते हो जो भी इसका डिटेल्स आप फिल करना चाहते हैं यहाँ पर फिर से प्लस पर क्लिक करके। और भी जैसे कि यहाँ पर हॉबीज का भी ऐड हो चुका है, ऑब्जेक्टिव हो चुका है, एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो चुका है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर आप सेटिंग्स मैनेज में जाकर इसको यहाँ पर सेक्शन कर सकते हो, यानी कि सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपना रिज्यूम को क्रिएट कर सकते हो, कि मैंने आपको कंप्लीट आपको जानकारी बताया। जैसे यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करते हो ये फाइल आपके पीडीएफ में यहाँ पर डाउनलोड सक्सेसफुल हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पर पीडीएफ में जाने के बाद यहाँ पर सिंपली इसको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अपने फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर फाइल ओपन करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर फाइल आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपका रिज्यूम क्रिएट हो चुका है। तो हम इसको बैक करते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपका रिज्यूम क्रिएट होकर आ चुका है, आपका यहाँ पर पीडीएफ में डाउनलोड हो चुका है। तो इसी प्रकार से अपने रिज्यूम को क्रिएट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको कंप्लीट आपको जानकारी बताई किस प्रकार से अपने रिज्यूम को बना सकते हो। सो यदि आपको रिज्यूम बनाने में कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में या फिर तो आपको नीचे कमेंट में रिप्लाई देकर आपको समझाने में जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट तब तक ले जाएंगे भारत वंदे मातरम।